रिसेंटली न्यूज आप सबने सुनी होगी, ट्विटर ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज कर दी है। एलॉन मस्क ने कहा है कि जी इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस वजह से मैंने एक स्टेटस लगाया था और आप लोगों को बताया था कि ये कंटेंट बन चुका है और मार्केट में ऑलरेडी लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा और क्रिएटिव कंटेंट दे रहे हैं। तो आप भी देर ना करें, जल्द से जल्द इसके ऊपर कंटेंट बनाएं। तो मैंने स्टेटस स्टूडेंट्स के लिए लगाया था, ऊपर से स्टूडेंट्स ने मुझे ही कह दिया कि सर आप ही बता देंगे कैसे होता है। अभी इधर शॉर्ट टाइम है इसलिए मैंने कुछ आइडियाज कलेक्ट करके रखे हैं, तो आए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मैं आपको ये सारे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये होम पेज पे दिख रहा होगा कि ट्विटर ने जो है ना, एलॉन मस्क ने, इनका जो पैरोडी वाला पेज है किसी का, उसने भी ये पोस्ट लगाई है। ये ग्राफिक डिजाइन और 3D एनिमेशन की एक मिसाल है आपके सामने कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अब मैं आपके सामने कुछ आइडियाज खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं ग्राफिक डिजाइनर्स हजरात के लिए दिखा दूँ कि वो क्या बना सकते हैं। तो ये आपके सामने मैं कुछ सैंपल्स पेश कर रहा हूँ, इनको देख लें और इनसे आइडिया निकालें कि आप इस तरह का कुछ बना सकते हैं, तो जल्द से जल्द बनाएं और स्टॉक वेबसाइट पे अपलोड कर दें, क्योंकि मामला भी गरम गरम है और डिफरेंट ब्लॉग्स, व्लॉगर्स और डिफरेंट न्यूज मीडिया वाले जो हैं इस तरह का कंटेंट देख रहे होंगे कि यूनिक कंटेंट। एक चीज बन चुकी है, अब ऐसा नहीं है कि यही चीज सारे न्यूज वाले यूज करना स्टार्ट कर देंगे। हर न्यूज चैनल की कोशिश होती है कि वो जो भी कंटेंट यूज कर रहा है, जो भी इमेज यूज कर रहा है, वो यूनिक हो और अच्छा भी दिख रहा हो। तो ये आपके सामने देखें, एक एक्स के जो एक डंडे में चिड़िया उल्टी होके मर गई है, इट मीन्स के वो उसने पुरानी लेगेसी को खत्म किया और एक नया जो है ना अपना ब्रांड तारीफ उसने करवा दिया ट्विटर के नेम से, जिसको एक्स का नाम दिया है। नेक्स्ट में आप ये इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, एडिटोरियल में यूज कीजिएगा। अगर आपने एलॉन मस्क का चेहरा यूज करना है तो ये एडिटोरियल में जाएगा, साथ में आप एक्स का कोई भी इस तरह से बना के दे सकते हैं इमेज। नेक्स्ट इस तरह से आप ग्राफिक डिजाइन में मोबाइल का एक किस तरह से बनाएं सिल्वेट और उसके ऊपर बनाएं और पीछे बैकग्राउंड में आप पुराना उसका जो लोगो है उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, एक पिंजरे में से जो है चिड़िया आज़ाद हो गई और ऊपर एक एक्स का निशान आ गया। ये मैं जस्ट आपको एक सैंपल्स बता रहा हूँ, आप इससे मिलता जुलता भी कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ भी आपके दिमाग में आती है तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। ये देखें, एक्स आके एक जगह पे खड़ा हुआ है और चिड़िया के पर बिखरे हुए हैं, इट मीन्स के एक्स ने चिड़िया को मार दिया है, वो जो ट्विटर वाली चिड़िया थी ना ट्वीट करती हुई। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके सामने। अब ये देखें, एक्स का लोगो सामने है और चिड़िया जो है बिल्कुल, वो यूँ समझ लें कि इनकी जो स्पेस एक्स मिशन भी तो है ना इनका, वो उसमें रॉकेट्स ऊपर जाते हैं। अब वो बताने का ये मकसद है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आया है कि एक्स ने चिड़िया को लॉन्च कर दिया एज अ रॉकेट और वो उड़ गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस तरह से आप एलॉन मस्क का कोई भी इमेज डालें, इसको एडिटोरियल में डालिएगा। ये सारी कैटेगरी एडिटोरियल की ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्स का लोगो जो है ब्रांड आइडेंटिटी है, ट्विटर का कॉपीराइटेड लोगो है, आप इसको कमर्शियल सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको एडिटोरियल ही रखेंगे आप। इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं, एक्स का पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये भी कॉन्सेप्ट वही है तकरीबन, लेकिन पर इसमें ज़्यादा कर दी है और एक्स ब्लू कर दिया उन्होंने, जो ट्विटर का पहला लोगो था। बिफोर एंड आफ्टर की कोई आप इस तरह से नई चीज़ पेश कर सकते हैं, आपको लगता है कि एक्स का लोगो नहीं थी, कोई नया कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, आप इस पर भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग, काफ़ी कंपनीज जो हैं एक्स के नाम से अगर बिजनेस करना चाह रही होंगी तो उनको भी अब एक्स के अंदर कोई चीज़ जदीद चाहिए ही होगी ना, कि एक्स अब इस तरह का एक्स तो चले ये एक महफूज हो गया, कॉपीराइट आ गया इसके ऊपर, ठीक है। आप इससे डिफरेंट एक्स भी बना सकते हैं, तो वो आपने खुद से बनाने, ग्राफिक डिजाइन में इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे पिछली जो बर्ड थिंग की ट्विटर की, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस, नए लोगों का क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। इट मीन्स के पुराना खत्म हो गया, नया आ गया, चिड़िया उल्टी हो गई इस तरह से और ऊपर एक्स आ गया, ठीक है। अब ये आपने ही बनानी है सारी चीज़ें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये ख़त्म हो गया ग्राफिक डिज़ाइन वाले, अब मैं आपको लेके चलता हूँ फोटोग्राफी में क्या किया जा सकता है। काफ़ी लोग कहते हैं, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको खुद से बैठ के, ये सारी चीज़ें मैंने इमेज सोर्सेज जो हैं ये इंटरनेट से लिए हैं, और आप इसको देख के आइडिया करें कि आप खुद से भी इस तरह दो तीन दोस्त मिलके, या अकेले खुद नहीं है तो ट्राईपॉड पे कैमरा लगाएं, मोबाइल फ़ोन लगाएं और इस तरह से आप करें। अब आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल में ट्विटर की जो यानी एक्स ऐप है, इसको खोल के इसका इंटरफेस दिखा सकते हैं, इसका इंस्टॉल करते वक्त वाली स्क्रीन दिखा सकते हैं, प्ले स्टोर से इसका जो व्यू आ रहा था वो दिखा सकते हैं, या सिंपल गूगल से आपको इसका लोगो भी मिल जाएगा। इस तरह से ब्लैक बैकग्राउंड पे आपको जो लोगो मिलेगा, इसको फुल स्क्रीन करके आप इस तरह से कैमरे में दिखाएं, तो ये भी आपका एक कंटेंट बन गया, ठीक है। अब
क्योंकि ट्विटर का थ्रेड्स के साथ भी मतलब एक वो अनबन चल रही है इनकी, तो क्योंकि सेम ऐप्स हैं तो इस तरह से भी आप कोई दो दोस्त मिलके, दो सहेलियां मिलके आपस में इस तरह से कर सकती हैं, ठीक है। एक ऐप खोल ले थ्रेड्स की, एक सहेली खोल ले ट्विटर की, तो इस तरह से भी आप इसमें बना सकते हैं। अगर सिंगल मॉडल हैं, सिंगल बनाना चाहते हैं, तो ये आपके सामने है। अब इस तरह से आप हाथ के इशारों से जो है कभी खुश भी होके दिखाएं, कभी नाराज हो जाएं, कभी डिफरेंट एक्सप्रेशन आप दे सकें, और हर एक्सप्रेशन पे आपका एक नया क्लिक बन सकता है, ठीक है। तो अब ये आपका इमेज इस तरह से भी बन सकता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। हंसना भी है, कभी परेशान होना है, रोना है, सोचना है, ये जितने भी चीज़ें आती हैं ना तखयल आती, ये सारे एक्सप्रेशन आपको करने पड़ेंगे। लेकिन अगर बात उनकी आ जाए, जो वो तबका कहेगा जी अब हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, चेहरा नहीं दिखाना, तो फिर हाथ के एक्सप्रेशन खाली दिखा दें। हाथ में ही कभी एक फिंगर से कैसे करें, कभी यूँ थम्स अप, कभी थम्स डाउन, इस तरह से, ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशन आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ये देखें, ये हाथ वाली मिसाल आ गई आपके सामने इस तरह से, नंबर वन, और दो हाथ में पकड़ लिया, नंबर टू, ठीक है। इस तरह से हाथ में अगर कोई अच्छा ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, कोई रिंग्स पहनी है, तो वो भी थोड़ा सा एक लाइफ और एक चार्म ऐड कर देगी आपके इमेज में, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फोटोग्राफी वाले हजरात ऐसे कर लें। और अब ग्राफिक डिजाइनिंग पर दोबारा आ जाते हैं, अगर वो इन्हीं फोटोज के साथ थोड़ा प्ले करें, लाइक इस तरह से कर लें, अब स्क्रीन तो नहीं दिखा रहे इसमें, लेकिन आपस में कोई दोस्त मोबाइल लेके कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप देखने वाले को क्या पता है क्या देख रहा है, तो ग्राफिक डिजाइनर्स क्या करें, ऐसा कुछ एलिमेंट ऐड कर दें कि ये बंदा ट्विटर की ऐप खोल के देख रहा है, ठीक है। ये एक्स का मतलब यहाँ पर ट्विटर का नया एक्स वाला लोगो है, कहीं और माइंड में शिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से भी ये देखें, अब दो मोबाइल यूज़र्स हैं और दोनों ही अपने अपने आप को मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन देखने वाले को नहीं पता कि ये क्या देख रहे हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनर इसको विजुलाइज कराने के लिए उनके साइड में इस तरह से कोई पॉप आउट बना सकते हैं, या स्क्रीन का भी आप यूआई जो है उसका दिखा सकते हैं, स्क्रीन का जो स्क्रीन शॉट नहीं होता उस तरह का भी आप दोनों तरफ लगा सकते हैं कि ये बंदा ये देख रहा है और उधर वाला वो देख रहा है, ठीक है। और इस तरह से भी अब एक्सप्रेशन चेंज करके भी आप सारी गेम ही एक्सप्रेशन की है, ठीक है। आप देख लें, एक्सप्रेशन चेंज हुआ, कंटेंट वही है, लेकिन उसमें जान आ जाती है। अब ये देखें, अब एक अपना मोबाइल आराम से खुशी खुशी देख रहा है, दूसरा उसके मोबाइल में देख के उसने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए हैं, ये एक नया कंटेंट बन गया आपके लिए, ठीक है। ये भी मैंने सेम एक और मिसाल ले ली थी कि ये भी आपका इस तरह से चल जाएगा। तो ये इस तरह से बाकी आइडियाज आपने खुद से निकालने, खुद से बैठ के एक प्लेन बैकग्राउंड ढूंढ लिया करें, और अच्छी लाइट सामने रख के आपने अपने इस तरह से फोटोज और वीडियोस भी बना सकते हैं, सेम चीज़ का फोटो भी बन सकता है। तो ये मैंने कहा चले बता दूं, कुछ आइडियाज़ आपको दे दूं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप खुद से भी इसको करने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ ट्विटर और थ्रेड्स की हद तक ही नहीं है, दुनिया में लाखों एप्लीकेशंस हैं। आप टॉप की 10 एप्लीकेशंस को पकड़ लें और उसके ऊपर अपना कंटेंट दें, जिसमें फेसबुक को आ जाता है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक, यूट्यूब, इस तरह की जो टॉप में आ जाती है ना ऐप्स जितनी भी हैं, आप उन सब का जो है यहाँ पर कर सकते हैं। सेम अपने वॉलपेपर ये डाउनलोड कर लें और स्वाइप कर करके जो है ना आपने अपनी फ़ोटोज़ बनाते जाना है, तो ये आपका कंटेंट बनता जाएगा और आपका अपना ही कंटेंट होगा। तो इंशाल्लाह कंटेंट में जान होगी तो सेल भी होगा, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको जो है इसमें पैसिव इनकम आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहेगी। सिर्फ शटर स्टॉक की हद तक ही ना रहें, एडोबी स्टॉक, एलामी और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी अपना यही कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं और इसकी पैसिव इनकम आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इंशाल्लाह इस तरह की मुफीद वीडियोज आती रहेंगी, और घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग कैसे करते हैं इसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं वक्तन फवक्तन देता रहता हूँ। और टिकटॉक पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 77,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, और वो भी ऑर्गेनिक हुए हैं और इतने कम अरसा में हुए हैं, ये आप सबका जो है ना मतलब मैं शुक्रगुजार रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद, आरफीन व्लॉग्स।